आवश्यक सूचना समस्त किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर दिनांक 18 सितंबर सोमवार से रतलाम मंडी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कृषक बंधु अपना माल नीलाम के लिए मंडी में नहीं लावे एवं होने वाली असुविधा से बचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। जी हां दोस्तों, 16 सितंबर 2023 और जो है वो दिन शनिवार। जी हां दोस्तों, समय हुआ है शाम 6 बजे का। जी हां दोस्तों, पानी काफ़ी तेज़ रतलाम में आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि रतलाम में है काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ जो है वो दोस्तों पानी गिर रहा है। जी हां दोस्तों, काफ़ी तेज़ पानी गिर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज जो है सभी वाहन जो हैं, हमने आपको सुबह जो दिखाए थे 400 ही वाहन नीलाम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भाव भी अच्छे खुले थे, शानदार लेवाली रही और सभी वाहन नीलाम हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी वाहन हमने अभी जानकारी प्राप्त करी थी तो मंडी जाना तो नहीं हुआ, लेकिन सभी वाहन जो हैं वो नीलाम हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर, खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए कि किसी परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी तेज आ रहा है। दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, हड़ताल के संबंध में जो व्यापारियों की हड़ताल चल रही थी दोस्तों, उसका तो अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है। वो हड़ताल तो जारी है, लेकिन उस हड़ताल का असर कम से कम रतलाम में लहसुन प्याज मंडी में तो देखने को नहीं मिल रहा था। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी लहसुन और प्याज मंडी तो चालू ही थी, दूसरी मंडियाँ ज़रूर बंद थी। ज़्यादातर तो मंदसौर, नीमच और पिपलिया मंडी बंद है, वैसे लगभग दूसरी मंडियाँ भी चालू हो गई थी, लेकिन उसका असर जो है वो रतलाम लहसुन प्याज मंडी पे देखने को नहीं मिल रहा था। ये एक अच्छी खबर थी दोस्तों। लेकिन अब एक और जो खबर है वो जो मंडी कर्मचारी है वो सोमवार से हड़ताल पे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमवार से हड़ताल पे हैं, इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा दोस्तों। लगभग मध्य प्रदेश की सभी मंडियाँ बंद रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी मंडियाँ बंद रहेंगी, रतलाम भी बंद रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि अभी जब तक आपको कोई जानकारी प्राप्त ना हो जाए, आप रतलाम मंडी में ना आवें। जी हाँ दोस्तों, अपनी कोई सी भी उपज लेके मंडी में ना आएँ। व्यापारियों की हड़ताल का अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है, वो हड़ताल तो जारी है ही सही, वो तो अनाज की जो हड़ताल है रतलाम में उनकी वो तो बंद है ही सही, लेकिन लहसुन प्याज चालू थी। लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से अब लहसुन प्याज भी जो है वो टोटल बंद हो जाएगी। जी हाँ, सोमवार से टोटल बंद हो जाएगी। तो आप लोग परेशानी इससे बचें और रतलाम में किसी भी तरह की कोई उपज लेकर ना आवें। जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाता, जब तक आपको हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे। ये ज़रूर उम्मीद है दोस्तों कि ये हड़ताल जो है कर्मचारी वाली, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ऐसी संभावना है कि एक दो दिन में निराकरण इसका हो जाएगा, या तो सोमवार को ही हो जाए या एक दो दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सभी मंडियां लगभग बंद हो जाएंगी, तो पूरा ही काम जो है मंडियों का ठप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ना अनुज्ञा बन पाएगी, ना कोई गाड़ी भरा पाएगी, ना कोई गाड़ी भर जा पाएगी, तो बड़ी परेशानी वाला काम हो जाएगा। इसलिए ये हड़ताल जो है मुझे नहीं लगता कि लंबी खींचेगी। जी हाँ दोस्तों, ये हड़ताल लंबी नहीं खींचेगी, एक आध दिन में इसका निराकरण हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ऐसी कि संभावना पूरी है कि एक आध दिन में ये हड़ताल जो है खुल जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ एक जो है कई जगह पर सब दूर से बारिश की खबर आ रही है, तो उसके एक आध कई जगह के वीडियो आए हैं। अब तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं कि कहां पर कैसा पानी गिर रहा है, तो वो ज़रूर आप वीडियो एंड में देखिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
ha 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 ha.